लेकिन ज्योति लैब्स, इसके नतीजे और नतीजों के बाद क्या ये शेयर दौड़ा? क्योंकि प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 48 करोड़ से बढ़ के 96 करोड़ रुपए, बिल्कुल डबल हो गया है तो। और आय की बात करें तो उसमें 15% के आसपास का उछाल है। एबिटा के आंकड़े बहुत अच्छे, यानी कामकाजी मुनाफा, मार्जिन भी बहुत शानदार, 10 से बढ़कर 17%। तो ज्योति लैब्स हर पैरामीटर पर ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, 290 का भाव और अब ये लॉक हो गया सर्किट पर 20% के। आज तो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे शेयर में, लेकिन ज्योति लैब्स का सर्किट अगर कल खुलता है कुणाल, क्या आपकी सलाह होगी? क्योंकि क्या अमेजिंग, आज तो खैर नतीजे भी इतने तोड़फोड़ है तो शेयर तो कुछ चलना बनता था इसका आज तो। वेल काफी अच्छी मोमेंटम आज ज्योति लैब में हमें देखने को मिली है। स्टॉक 290 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, अपर सर्किट स्टॉक में अभी लग चुकी है एंड लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में और भी अच्छी मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर मैं फ्यूचर के लेवल की बात करूं, अगर मैं आने वाले दिनों की बात करूं, तो जिस हिसाब से स्टॉक ने पर्टिकुलरली वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी रिदम देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 320 और 320 जैसे ही क्रॉस होता है 370 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। नाउ मैं नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं बनेगा प्रेजेंट लेवल से, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 320-370 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये ज्योति लैब्स पर नजरिया आपको, लेकिन